जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। जुल्फिकार अली भुट्टो, चेयरमैन तर्जमान ग्लोबल टीवी यूके, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि कोविड की वजह से लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं और मुश्किल का शिकार हैं। डेफिनेटली इसी तरह की सेम सिचुएशन आज से 3 माह पहले हमारे पास लंदन में थी और आज लंदन में 3 माह एहतियात और SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की वजह से आज लंदन तकरीबन 98% खुल चुका है और लोग आस्ता आस्ता स्लो जरूर है ज़िंदगी, लेकिन आस्ता आस्ता लोग कामों की तरफ जा रहे हैं, कामों की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर जो काम करने का जज्बा था, जो घर में बैठ कर बिल्कुल उकता गए थे, अब वो चाहते हैं यार कुछ ना कुछ तरीके से काम करें, आगे बढ़े और कम अज़ कम ज़िंदगी का पहिया उसी तरीके से चलाएं। पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप एहतियात करें और ये सिर्फ 1-1.5 माह की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ज़िंदगी उसी तरह रवा दवान प्रॉपर हो जाएगी जिस तरह के अब लंदन में है। तो आप तमाम दोस्तों से, प्यारे दोस्तों से, लंदन की फ़िज़ाओं से और लंदन की हवाओं से, तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि इन दिनों अपना ख्याल रखें, ज़्यादा देर अंदर रहें और कोशिश करें कि अंदर रहते हुए खुदा को याद करें, अल्लाह ताला की बारगाह में झुकें और डेफिनेटली उसके करीब हो जाएं और दुआएं मांगें। मैं समझता हूं कि ये वबा कई लोगों को खुदा के करीब लाने का सबब बन रही है। उम्मीद करता हूं कि जितने पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात जल्दी दूर कर देगा और इंशाल्लाह वेरी सून ज़िंदगी उसी तरह रवा दवा, खूबसूरत, बेमिसाल और बाकमाल हो जाएगी। बस सिर्फ उसके करम से और उसकी नेमत से सब कुछ होगा, उसकी नेमत और उसके कर्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, मेरे तमाम प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ात, कोई ज़्यादा चीज़ें इधर ना जाए और अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को सेफ़ रखें और अपने आप को विद इन फैमिली रहकर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें ताकि ये वक्त आपका यादगार वक्त बन जाए। बहुत मेहरबानी, हम आपको इसी तरह की इंशाल्लाह वीडियोज़ के साथ अपने YouTube का चैनल है जो तर्जमान ग्लोबल टीवी, उस पर हाजिर होते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फजल खुदा लोगों की, अल्लाह ताला की जानों की हिफाजत करे और यूके में रहने वाले पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के लोग हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करे और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी बारगाह में ये जो मुश्किल टाइम है जल्दी से गुजर जाए और हम इंशाल्लाह फिर से एक बावकार, बेमिसाल और रवा दवा ज़िंदगी की आगे लेकर चलें और अपने बच्चों की रोटी रिज़्क कमाएं और ज़िंदगी का पहिया उसी तरह शानदार अंदाज में चलाएं इंशाल्लाह सून उसी तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।